ये हैं 61 इयर्स के हॉट एंड डैशिंग इंडियन सुपर मॉडल एंड एक्टर दिनेश मोहन। इन्होंने अपना मॉडलिंग कैरियर केवल 4 साल पहले शुरू किया था। क्योंकि इससे पहले तो इनका वजन बढ़कर 130 केजी तक पहुंच चुका था, जिसे इन्होंने केवल 8 महीनों में 56 किलो तक कम कर लिया था। और इसके बाद शुरू हुई इनकी जिंदगी की हैप्पी एंड सक्सेसफुल सेकेंड इनिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनकी वेट लॉस स्टोरी, यानी इनका वजन कैसे और क्यों बढ़ा, इन्हें वजन कम करने का मोटिवेशन कैसे मिला, इन्होंने अपना वजन कैसे कम किया। इनके डाइट और एक्सरसाइज डिटेल्स के साथ आपको मिलेंगे ढेर सारे वेट लॉस लर्निंग्स, जो ना केवल आपको बेहद मोटिवेट करेंगे बल्कि आपको आपके वेट लॉस जर्नी में बेहद काम आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका वजन क्यों और कैसे बढ़ा। फ्रेंड्स, दिनेश मोहन जी की ज़िंदगी भी एक आम व्यक्ति की तरह थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये हरियाणा गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी पा चुके थे। ये चंडीगढ़ में पोस्टेड थे और इनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज मुझे फेस करनी पड़ी लाइफ में। जब मैं अराउंड 40 इयर्स का था तो आई लॉस समबडी वेरी डियर टू मी, काइंड ऑफ फैमिली कह लो पूरी, वो वाइप आउट हो गई। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में चला गया कि बिल्कुल, मतलब 3-4 बार तो मैंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट करी। फ्रेंड्स, इन्होंने एक तरह से अपना पूरा परिवार खो दिया था, यानी इनकी नज़र में ये जीने की वजह खो चुके थे। फ्रेंड्स, आम तौर पर हम अपने ज़िंदगी के गमों से जल्द उबर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त हर गम को हल्का कर देता है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी समय से तनाव और दुख झेल रहे थे और इन्हें एक के बाद एक काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, ये बार बार यही सोचते थे कि मैं ही क्यों। और इसी दौरान ये अपने जॉब से VRS लेकर चंडीगढ़ से गुड़गांव शिफ्ट हो गए, अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहने लगे। लेकिन अगले 12 साल इन्होंने भयंकर डिप्रेशन में गुजारे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। इनका लोगों से मिलना जुलना भी लगभग बंद हो गया था। ये दोपहर 3 बजे सोकर उठते थे और जबकि देर रात तक अपनी निराशा भरी सोच के साथ जागते रहते थे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और घर से निकलना नहीं। 12 साल में आई डिडंट स्टेप आउट ऑफ द होम, मेमोरी लॉस हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई, शुगर प्रॉब्लम हुई, बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ। और रात को जागने के दौरान ये इमोशनल ईटिंग करने लगे, यानी ये खाने में अपना सुकून ढूंढने लगे। लेकिन इस तरह हाई कैलोरिक फूड और ओवर ईटिंग करते रहने की वजह से और एक इनएक्टिव लाइफ जीने की वजह से इनका वजन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड में इट ऑल एंडेड इन के मैं एक दिन बेड से उठने लगा, दिस इज इन 2009 फरवरी 2009, और मैं उठ नहीं पाया। इट वॉज लाइक पैरालिसिस अटैक एंड चक्कर आए और मैं गिर जाता था। तो ये वाली कंडीशन मेरी 8 महीने तक चली, जब मैं बेड पे ही था, चल फिर नहीं सकता था, सब कुछ टॉयलेट वगैरह एवरीथिंग वाज ऑन द बेड। और इस दौरान इनका वजन बढ़कर 130 केजी तक हो गया। और इस बढ़े हुए वजन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में इन्हें BP, डायबिटीज़, वर्टिगो, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब तो था ही। आइए जानते हैं कि इन्हें कब लगा कि इन्हें वेट लॉस करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की एक नई पारी शुरू करनी चाहिए। तो उसके पति ने एक दिन मुझे बोला कि देखिए, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को संभालो, आगे बढ़ो, जो जिन लोगों ने दुनिया से जाना था वो चले गए, आप वो भी दुनिया में, आप मरे नहीं हो, हमें मत मारो साथ में। He said it in a very encouraging manner because they love me a lot. They're very affectionate to me. तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार, ये तो बच्चे जैसे ही हैं मेरे, मैं इनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा हूँ। तब से फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। अगले ही दिन से ये सुबह समय पर उठने लगे और इन्होंने अपनी एक्टिविटी के लिए चुना स्विमिंग। इसके लिए इन्होंने एक नज़दीकी स्विमिंग पूल की मेंबरशिप ली। हालांकि ये पहले दिन तो बिना स्विमिंग किए ही लौट आए थे, लेकिन ये जान रहे थे कि जो भी कुछ करना है इन्हें खुद ही करना है। तो अगले दिन अपनी सारी हिम्मत समेट कर इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की और बाद में इन्होंने स्विमिंग पूल के नज़दीक के ही एक जिम की भी मेंबरशिप
ले ली। शुरुआत में इनका फोकस कार्डियो पर ज्यादा था, लेकिन बाद में ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करने लगे थे। बाद में ये 40 मिनट्स कार्डियो और 20 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये वजन बढ़ने के अपने एक्सपीरियंस से जानते थे कि इनएक्टिव लाइफ होने के साथ साथ वजन बढ़ाने में इनके डाइट का भी बहुत बड़ा रोल था, और इस प्रकार ये बिल्कुल समझ रहे थे कि वजन घटाने में भी डाइट का बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये एक डाइटिशियन के पास गए, अपना डाइट प्लान बनवाया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अब इनके डाइट से हर प्रकार के जंक फूड्स, ऑयली और शुगरी फूड्स और हाई कैलोरिक फूड्स हट गए थे। अब इनके डाइट में शामिल थे ओट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध भी ये डबल टोन्ड ले रहे थे, और इनके फूड्स भी ऑलिव ऑयल में प्रिपेयर होते थे, जिसमें कि कम से कम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। मोस्टली ये बॉयल्ड फूड कंज्यूम कर रहे थे, और ये फ्रीक्वेंट स्मॉल पोर्शन साइज का 6 टाइम मील प्लान फॉलो कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर आप भी बड़ी आसानी से 5 टाइम मील प्लान फॉलो कर सकते हैं, और इसमें पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन ऐड करके आप आसानी से इसे 6 टाइम मील प्लान भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार एक सही डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करके और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए इन्होंने केवल 8 महीनों में अपना 56 यानी 56 केजी तक अपना वजन कम कर लिया। 130 केजी मैंने 8 महीने के अंदर आई ब्रॉट इट डाउन टू 74 केजी। यहाँ आप गौर करिए कि इन्होंने अपना वजन अपने टारगेट वेट से भी ज़्यादा कम कर लिया था। फ्रेंड्स, इनकी हाइट है 6 फीट 1 इंच, और इसलिए इन्होंने बाद में अपना 6 केजी वजन गेन किया, वो भी केवल मसल मास बढ़ाकर यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करके, जिसकी वजह से इनकी बॉडी टोन्ड अप हो गई और आज भी ये अपना 80 केजी का वेट मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद जानिए क्या हुआ। मैगजीन के जर्नलिस्ट रहते थे, उन्होंने मेरी बिफोर आफ्टर की पिक्स ली, मैगजीन में आर्टिकल आया, वहां से एक मॉडलिंग एजेंसी ने देखा, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इन्होंने मॉडलिंग की, रैंप वॉक किया, और आजकल केवल सेलेक्टेड डिजाइनर्स के साथ एज ए शो स्टॉपर अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं। इनके कई कमर्शियल्स भी आ चुके हैं, और बॉलीवुड में भी इनकी एंट्री हो चुकी है, सलमान खान की मूवी भारत और सांड की आंख से, और जल्द ही इनकी एक मलयालम मूवी भी आने वाली है। प्रेजेंट लाइफस्टाइल की बात करें तो हाँ, आज ये बेहद एनर्जेटिक और एक्टिव हैं, ये स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और एक बार में 50 यानी 50 पुशअप्स कर रहे हैं, वो भी लगातार। जी हाँ, आज ये अपने से यंग लोगों को भी फिटनेस में मात दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात एक ही है कि ज़िंदगी आपके सामने है और आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस ज़रूरत है केवल एक पॉजिटिव सोच की, फिर सब कुछ आपकी मुट्ठी यानी आपके बस में है। आप जब चाहे अपनी ज़िंदगी को बेहद संवार सकते हो। दिनेश जी ने तो एग्जाम्पल सेट कर ही दिया है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं 55 साल का हूँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मुझे तमाम बीमारियाँ हैं, मैं चल नहीं सकता, और मैं अपना वज़न कैसे कम करूँ। फ्रेंड्स, इन सारी बातों का जवाब दिनेश जी ने जिया है, और इनकी वेट लॉस स्टोरी वेट लॉस टीवी में फीचर करने का मकसद केवल एक ही था कि एटलीस्ट आप 2 लर्निंग्स ज़रूर लेकर जाएँ। पहला, नो एक्सक्यूजेस, और दूसरा, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आप भी बड़ी आसानी से अपना वज़न घटाना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वेट लॉस टीवी, और देखना चाहिए इसके मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वज़न
कम कर सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो ऐसा आप मेरे वेट लॉस स्टोर में विजिट करके आसानी से कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना गलती किए और बिना टाइम वेस्ट किए किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट डाइट और वर्कआउट प्लान, वो भी ढेर सारे लाइफस्टाइल टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।